टाटा आईपीएल 2023 के 24वें मुकाबले में सीएसके ने आरसीबी को 8 रन से हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें टाटा आईपीएल 2023 के 24वें मुकाबले की, जो कि खेला गया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, जिसे जीत लिया चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 रनों से। आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करने आए चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही और उसके ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 6 बॉल में 3 रन बना के आउट हुए। उसके बाद पारी को संभाला कॉनवे ने, जिन्होंने 45 गेंदों में शानदार 83 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 6 शानदार छक्के लगाए और उनका बखूबी साथ दिया अजिंक्य रहाणे ने, जिन्होंने 20 बॉलों में 37 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद उनके स्थान पर बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे, जिन्होंने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की और 27 गेंदों में 52 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 5 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे। लास्ट के ओवर में बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने 9 गेंदों में 19 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने शानदार 2 छक्के लगाए। वहीं बात करें आरसीबी के गेंदबाजों की, तो आरसीबी की तरफ से 6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और सबने एक एक विकेट चटकाए। 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही और उसके ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली 4 बॉलों में केवल 6 रन बना के आउट हुए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए महिपाल लोमरोर भी काफ़ी कुछ कर नहीं सके और 0 रन बना के आउट हुए। वहीं बात करें फाफ डुप्लेसिस की, तो 33 गेंदों में शानदार 62 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की और 36 गेंदों में शानदार 76 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इन्होंने काफ़ी हद तक आरसीबी को मैच में बनाए रखा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक, जिन्होंने 14 गेंदों में 28 रन की शानदार पारी खेली और अंत के ओवरों में सुयश प्रभुदेसाई इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बल्लेबाजी करने आए, जो कि 11 गेंदों में 19 रन बना के पथिराना का शिकार हुए, जिन्होंने मैच को काफ़ी हद तक बनाए रखा और टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन अंत के ओवरों में रन न आने के कारण आरसीबी की टीम यह मुकाबला हार गई। वहीं बात करें सीएसके के बॉलिंग की, तो तुषार देशपांडे ने 4 ओवरों में 45 रन देके 3 विकेट चटकाए और पथिराना ने 4 ओवरों में 42 रन देके 2 विकेट चटकाए। मोइन अली, महेश तीक्षणा और आकाश सिंह ने एक एक विकेट चटकाए और ये मुकाबला सीएसके ने 8 रनों से अपने नाम किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।